हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज है सैटरडे, तो इस संडे जो है हमारा कोई राइडिंग का प्लान नहीं है, क्योंकि हर संडे जाना जो है हमारे सब ग्रुप मेंबर्स के लिए पॉसिबल भी नहीं, और ऊपर से तेल का भाव जो है ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। हमारे सिटी में अभी मैंने कल डाला था लगभग 104 रुपये कुछ पैसे थे, लगभग 1.450 आप समझ लो। तो आपके सिटी में प्राइस क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो में हम लोग जो है अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक शू का, जो कि है रिबॉक का। अगर आपने मेरे जो है शू कलेक्शन का वीडियो देखा होगा, तो उसमें लगभग हर एक ब्रांड का शूज़ है। HRX ले लो, फिला ले लो, पुमा ले लो, उसके बाद बाका गुची, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के शूज़ है। बाकी मेन तीन ब्रांड जो है मेरे पास नहीं थे, जो कि है नाइकी, एडिडास एंड रिबॉक। तो ये तीनों जो है मुझे कलेक्ट करना है फिलहाल अभी, तो इसी वजह से जो है आज मैंने इस शू को परचेस किया है जो है रिबॉक। और बाकी जो है इस शू का अनबॉक्सिंग वीडियो में इस चैनल पे ना डाल के अपने नए चैनल यानी कि द अनबॉक्सिंग गाइड में डालने वाला था, मगर इस चैनल में जो है मैंने प्रीवियसली जो भी सारे शूज़ के अनबॉक्सिंग वीडियोज यानी कि रिव्यू वीडियोज डाले हैं, उन सब का स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे मैं साइड में डाल दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक शूज़ के वीडियो में लगभग 2, 3, 4, 5, 6, 7 के यानी कि एवरेज 1 के से ज़्यादा ही होता है, यानी कि आप लोगों को जो है बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही पसंद आता है। तो इस चैनल में जो है ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और रीच आउट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा लोगों के तरफ, तो इसी वजह से मैंने सोचा इस वीडियो को इसी चैनल में अपलोड किया जाए। तो अभी जो है करते हैं अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग करने से पहले एक बात मैं बता देना चाहूँगा, शूज़ जो है मुझे अच्छा लगा और आगे आपको देखने के लिए मिलेगा उसका लुक कैसा है वगैरह वगैरह। बाकी इस बार फ्लिपकार्ट से मैंने परचेस किया था, तो पैकेजिंग से थोड़ा मैं खुश नहीं हूँ, पैकेजिंग एकदम अच्छा नहीं था। बाकी मैं जो है रिटर्न करने वाला था, मगर शूज़ को देख के ही रख लिया, पैकेजिंग में क्या रखा है, बॉक्स को तो फेंकना ही है अल्टीमेटली। बाकी शूज़ जो है वो मेन डिपेंड करता है अच्छा है या फिर नहीं, तो शूज़ मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने उसको रख लिया। बाकी अगर आप ऑर्डर करते हैं तो हो सकता है ऐसे पैकेजिंग ना मिले, अच्छा मिले। तो बाकी बिना देरी के चलते हैं अपने शूज़ की तरफ और करते हैं उसका अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ से फ्लिपकार्ट का ब्रांडिंग है, तो इस शू को जो है मैंने परचेस किया फ्लिपकार्ट से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पैकेजिंग के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेजिंग एकदम जो है गंदा ही है। और इस तरफ जो है मेरा जो एड्रेस वगैरह है पर्सनल डिटेल्स, तो उसको तो मैं नहीं दिखा सकता, इसी वजह से यहीं से ऊपर ही से ही जो है इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसको यहीं से कट कर लेते हैं। और हाँ, और ये क्या गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं पैकेजिंग का क्वालिटी कैसा है, इसको कहीं से कट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ यहीं से मैंने कट किया है, बाकी खुल गया है। तो बाकी अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो ऊपर वाला बॉक्स का तो कुछ हालत ऐसा है, इसको रख देते हैं, रखते हैं कि इसको फेंक ही देते हैं। और बाकी ये रहा हमारा रिबॉक का ब्रांडिंग, और बॉक्स का हालत आप देख ही सकते हैं। प्रीवियसली जब मैंने इसको देखा यानी कि जब मैंने रिसीव किया, तो तुरंत ही इसको अनबॉक्स कर दिया था, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा पैकेजिंग जो है एकदम गंदा था। तो पैकेजिंग से मुझे डर लगने लगा कहीं शूज़ जो है बहुत ही गंदा या फिर फटा हुआ या फिर कुछ डिफेक्टेड ना मिला, इसी वजह से सबसे पहले मैंने चेक कर लिया था। और बाकी शूज़ जो है बहुत ही अच्छा है, ये आपको मैं ज़रूर से रेकमेंड करूँगा। और बाकी शूज़ का जो लिंक है मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन से, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो अनबॉक्सिंग वीडियो यानी कि रिव्यू वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत जाके जो है शूज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा है। और बाकी ये रहा हमारा ब्रांड न्यू शूज़, तो शूज़ को सबसे पहले निकालते हैं यहाँ से। और बाकी यही था बॉक्स, और बॉक्स के पीछे भी कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, यहीं पर बस बारकोड का स्टिकर है। और बाकी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर मैनुफैक्चरिंग डेट और जो है प्राइस है, प्राइस आप देख सकते हैं 3599 यानी कि लगभग 3600 रुपीज़ का है। और ये मेरा UK साइज, US साइज, एफ आर साइज़ वगैरह है, आप अपने साइज़ यानी के हिसाब से जो है इसको परचेस कर सकते हैं। और शूज़ का नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है रिबॉक का है, और इसका मॉडल का नाम है थंडर क्रैकर, और कलर है ब्लैक कोट ग्रीन, तो थोड़ा सा ग्रीन कलर का आपको टच देखने के लिए मिल जाएगा। तो बॉक्स को मैंने रख दिया है साइड में, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं शूज़। तो सबसे पहले एक शूज़ को लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे इसका जो है सोल कैसा है, बहुत ही लाइट वेट है शू और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का भी है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिबॉक का ब्रांडिंग मिल जाता है, और ये जो है एक स्पोर्ट्स यानी कि रनिंग शू जैसा है, तो जिम वगैरह के लिए और
एथलेटिक हिसाब से जो ये शू बहुत ही अच्छा होने वाला है। और लेस भी देख सकते हैं, जैसे ट्रेडिशनल लेसेस आते हैं उससे थोड़ा यूनिक है, और ये लेसेस जो है थ्रेड वाला है, इसी वजह से जो है ये आसानी से खुलने वाला नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रनिंग वगैरह करते वक्त अगर लेसेस वगैरह जो बार बार खुल जाते हैं तो बहुत ही दिक्कत आ सकती है। और बाकी यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रिबॉक का ब्रांडिंग मिल जाता है, और इसमें जो है रबराइज टच दिया गया है, और बाकी ये भी जो पार्ट है रबराइज है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिटेलिंग वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है, और ब्रांडिंग भी जो कि बहुत ही दूर से पीछे से भी आपको दिख जाएगा। बाकी नीचे ये कुछ पेपर्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे भी रिबॉक का ब्रांडिंग है। और बाकी रियलिटी चेक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बारकोड मिल जाता है, और बारकोड के साथ साथ आपको साइजेस वगैरह मिल जाता है। और ये जो शू है मेड इन इंडिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया। और बाकी दूसरा शू भी वही सेम ही है, तो डिज़ाइन जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, और बहुत जो है ट्रेंडी डिज़ाइन है, नया लुक के साथ आया है। और रिबॉक का जो जनरली होता है रनिंग शू, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मगर इस शू का कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इससे पहले जो मैंने अनबॉक्सिंग किया था मेरे पुमा रनिंग शू का, उसको अभी जो है मैं जिम वगैरह में लेके जाता था, मगर आज से जो है इसको लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है उससे भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो पुमा का जो शू था वो एकदम ब्लैक कलर में था, उसमें कोई और कलर आपको देखने के लिए नहीं मिलता था, मगर इसमें जो है हाईलाइट किया गया है थोड़ा ग्रीन टिंट, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इससे जो है शू थोड़ा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो अगर आपने जो है उस शूज़ का यानी कि पुमा के रनिंग शूज़ का जो है अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि सेल के दौरान वो भी जो है आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो फिलहाल अभी तो देख लिया आपने ओवरऑल शू, तो अभी मैं जो है पहन लेता हूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं, कम्फर्ट वगैरह, तो चलते हैं। सो फाइनली शूज़ को मैंने जो है पेयर अप कर लिया है एक ट्राउज़र के साथ, क्योंकि ये जो है एक स्पोर्ट्स शू है, तो जनरली ट्राउज़र और ट्रैक पैंट के साथ ही इसका लुक जो है बहुत ही बेहतर दिखेगा। तो इसका ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं व्हाइट स्ट्रिप के साथ बहुत ही जो है गॉर्जियस और अट्रैक्टिव दिख रहा है, और इसके साथ साथ बैक साइड से भी आप देख सकते हैं रिबॉक का ब्रांडिंग जो है अच्छी तरीके से दिख रहा है। और उसके साथ साथ यही है वो शूज़ का ओवरऑल लुक्स, जो भी सोल में पैटर्न वगैरह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और प्रीमियम लुक देते हैं। तो अभी पहनते हैं इसको जीन्स के साथ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं शूज़ को मैंने पहन लिया अभी जीन्स के साथ। सो ट्राउज़र के साथ भी आपने देखा था शूज़ का लुक जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बाकी ब्लैक कलर का है इसीलिए आपको जो है वाइट और ऐसे डेनिम जीन्स के साथ भी इसे पहनकर जो है बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। बाकी शूज़ जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट का है, और इसका सोल जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। बाकी साइड से भी आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल लुक, और ये रहा पीछे वाला लुक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका जो बैक साइड में जो ग्रीन कलर का ब्रांडिंग है वो जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दूर से भी दिखाई देगा। तो बाकी यही था ओवरऑल आज का हमारा शूज़ का अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा ओवरऑल इस शू का यानी कि रिबॉक थंडर क्रैकर शू का अनबॉक्सिंग वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी अगर ऐसे भी और भी शूज़ के अनबॉक्सिंग वीडियोस आपको देखना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी मेरे प्रीवियसली जितने भी सारे अनबॉक्सिंग वीडियोस है सबके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो है इंडिविजुअली किसी भी शूज़ का जो है अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देख सकते हैं। सो गाइज यही था आज का हमारा वीडियो, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ़।